अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की क्लास ले रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आजकल जो मेरा सवाल चल रहा है वो कलेक्शन ऑफ एरर्स से मुतालिक है। लास्ट टाइम मैंने आपको 2019 का पेपर के क्वेश्चन करा दिया था, उम्मीद है आपने वॉश कर ली होगी, उसको समझ लिया होगा अच्छी तरह से। मैं आपको फिर एक मरतबा ये कहता हूँ कि आप जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ एरर्स की जो मैंने वीडियो डाली है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको उसका इंट्रोडक्शन ये तालुफ हो जाए, ठीक है? आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी ये सवाल समझने में, ठीक है? जिस तरह मैं कलेक्शन ऑफ एरर्स की करूँ, इंशाल्लाह आइंदा जो सवाल होगा मेरा वो बैंक रिकंसिलिएशन का होगा, उसकी भी मैं इंट्रोडक्शन पहले कराऊँगा, आप वाली भी वॉश कीजिएगा और फिर आपके समझ में वो आगे के सवाल आपके समझ में आएंगे, क्योंकि हर चीज़ की बुनियाद अगर मजबूत हो जाए ना तो बेहतरीन होता है, ठीक है बेटा? तो आज मैं करा रहा हूँ बेटा आपको 2018 का पेपर, ठीक है? 2018 का लिखा है, द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मैक्स कंपनी। ये बेटा हमें मैक्स कंपनी का काम करना है आज, ठीक है? इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं क्लोजिंग करने से पहले, वो बयान कर, आपने उनको ठीक करना। रिक्वायर्ड इसका यही है, प्रीपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन द जनरल जर्नल, ठीक है? ये लिखा हुआ ना आपके सामने, जनरल जर्नल बनाना आपने। तो बेटा पहला नंबर क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर। उसने फर्नीचर खरीदा 25,000 का, ठीक है? 25,000 का इतना पढ़ना है सिर्फ आपने। देखिए, आप अगर आप माहिर हो गए माशाल्लाह, कायम जनरल जर्नल बनाने में बड़ी आसानी से समझ में आएगा आपकी। लेकिन क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर। जब हम परचेज फर्नीचर करेंगे तो बताइए क्या आया, क्या लिया हमने? तो सारे फर्नीचर लिया सर, फर्नीचर लिए तो डेबिट हो गए ना, तो फर्नीचर आप फौरन डेबिट कर दें। कितना? 25,000 का। 25,000 का फर्नीचर को डेबिट कर दें, क्योंकि आपने परचेज किया है, लिया है तो डेबिट, दिया है तो क्रेडिट। मैंने आपको रूल बता रखा ना ये, ठीक है? टैग एंड गिव इन रूल मैंने आपको बता रहा कि अगर आप कुछ चीज़ लेंगे तो डेबिट करना है, कुछ चीज़ देंगे तो क्रेडिट करनी है। तो अब जो हमने परचेज फर्नीचर लिया ना, परचेज का मतलब ख़रीदना होता है, तो फर्नीचर खरीदने का मतलब आपने फर्नीचर लिया, कितने हज़ार का? 25,000 का पक्का, ठीक है? तो फौरन आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000। मैंने सॉल्व कर दिया ये, आप इसको समझ लें अच्छी तरह से, ठीक है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 25,000, ठीक है? अच्छा बेटा, अब आगे देखिए क्या लिखा। वास डेबिट कर दिया उसने परचेज अकाउंट। मैंने आपको रूल बता रखा जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था कि अगर कोई चीज़ गलती से डेबिट कर दी जाए तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ता है। देखिए, इसने डेबिट कर दी, क्या कर दी? डेबिट परचेज। क्या कर डेबिट क्या करा उसने? परचेज। तो आप क्रेडिट कर दें परचेज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? परचेज क्रेडिट हो गया ना आपके पास, समझ में आ गया? यानी समझ में आ गई, आपने परचेज करी थी ना, क्या लिया था? फर्नीचर डेबिट कर दिया। अच्छा, 25,000 रुपये ले दें। और साथ में इसने आगे लिखा है कि गलती से उसने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आप डेबिट कर दिया उसने किया है ना, आप क्रेडिट करें, क्योंकि आपको डेबिट तो भर चुका है ना, ये फिलअप तो कर चुके हैं ना पहले, फर्नीचर तो डेबिट हो गया है, हमारे क्रेडिट खाली पड़ा ना, तो यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ। तो फर्नीचर डेबिट और परचेज क्रेडिट आ गया टू करेक्ट फर्नीचर अकाउंट। नंबर दो, रिटर्न कर दिया उसने डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है? ये लास्ट टाइम भी आया था, रिटर्न कर दिया उसने डिफेक्टिव गुड्स 5,000 का टू सप्लायर, ठीक है? बेटा ऊपर जो आपने 2019 में किया था ना, ये बाई ए कस्टमर था, यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए बाई ए कस्टमर लिखा है, तो हमने यहाँ लिखा था सैलरी एंड डेबिट, याद रखिएगा। अब यहाँ कुछ डिफरेंट आ गया, रिटर्न किया उसने डिफेक्टिव गुड्स 5,000 टू सप्लायर, उसने सप्लायर को माल वापस किया है, किसी से लिया नहीं है, दिया है बल्कि, ठीक है? दिया है उसने, तो सप्लायर को माल वापस कर दिया। तो बेटा जब भी किसी सप्लायर को माल वापस करते हैं तो गारंटी बनती है अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है? परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गए हमारे पास, ठीक है? परचेज रिटर्न क्रेडिट होने वाली है हमारे पास, क्योंकि हमने रिटर्न किया डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। जब सप्लायर को माल वापस करेंगे तो हमारे पास से जाएगा माल, ठीक है? गुड्स जाएगी तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, जब खरीदी थी तो डेबिट करी थी ना हमने परचेज, अब परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी हमारे पास, परचेज रिटर्न क्रेडिट करनी है आपने, ठीक है? अब परचेज रिटर्न तो क्रेडिट करनी है,
अब आपके पास डेबिट जो है खाली जगह पड़ गई, खाली जगह पड़ी भी है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, वास क्रेडिट कर दिया उसने परचेज अकाउंट, गलती से उसने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसने क्या किया, क्रेडिट आप डेबिट कर लें, ठीक है, परचेज डेबिट कर लें, परचेज रिटर्न क्रेडिट कर लें, ये ले आ गया परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, 5000 5000, सही है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने रूल बताया है कि गलती से अगर कोई चीज़ डेबिट कर दी जाए करे तो उसको क्रेडिट करनी है आपने, और अगर कोई चीज़ क्रेडिट करा तो उसको आप डेबिट कर दें बस, ठीक है। और असल वाली जो चीज़ थी ना उसको अपनी जगह पर लेना, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में लिखना है आपने, और ये परचेज क्रेडिट किया था ना आप डेबिट में लिख दें, ये हो गई करेक्शन इसकी। नंबर थर्ड, ऑर्डिनरी रिपेयर्स कॉस्टिंग 1300, 1300 रुपये उसने रिपेयर करवाई कोई चीज़, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ये क्या सर, ये रिपेयर लिखा हुआ, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर देना, बस रिपेयर एक्सपेंसेस डेबिट कर दें आप, रिपेयर एक्सपेंसेस करें ना, उसे मरम्मत कराइए, रिपेयर कराइए कोई चीज़, तो चुनाचे उस पर पैसे लगे उसके 1300 रुपये, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दें, हो गया डेबिट। अब बचा क्रेडिट, तो यहाँ क्या लिखा, डेबिट कर दिया उसने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, तो क्या किया डेबिट, आप क्रेडिट कर दें क्या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, तो इसका मतलब ये हो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया, ये लिखा है, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया, ठीक है, टू कलेक्ट ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, 1300 रुपये की फिगर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर अगला है, फोर्थ है, डेप्रिसिएशन वाज ओवरचार्ज, डेप्रिसिएशन जो था ना वो ओवरचार्ज करा है, ओवरचार्ज हो गया यानी ज़्यादा लिख दिया, चार्जिंग ज़्यादा कर दी उसने, ठीक है, ओवरचार्ज कर दिया, ज़्यादा लगा दिया उसने, और डेप्रिसिएशन जो था ओवरचार्ज कर दिया 5000, 5000 रुपये ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, 5000 रुपये ज़्यादा लिख दिया। मैंने आपको ये भी रूल बता रखा है, अगर गलती से ज़्यादा रकम लिख दी जाए तो जर्नटी को रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ेगा आपको, और गलती से कम रकम लिख दी जाए तो सीधा रखना पड़ता है उस जर्नटी को जो होती है ओरिजिनल, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो थे ओवर चार्ज कर लिए गए 5000, दो अलाउंस ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, अलाउंस ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट के तहत। तो बेटा मैंने आपको बताया भी था कलेक्शन उसमें इंट्रोडक्शन में कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो है भी एडजस्टिंग एंट्री में आएगा, हमारे एडजस्टमेंट में आएगा दरअसल ये, तो आप एक काम करेंगे तो इसकी जर्नटी जो है ना ये वाली डेप्रिसिएशन की जो ओरिजिनल होती है वो आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप याद कर लीजिए जो एडजस्टमेंट में हम बनाएंगे, फिर आपकी समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। इसकी जर्नटी होती है बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसिस डेबिट, ये एडजस्टिंग एंट्री है इसकी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, ये है इसकी ओरिजिनल एंट्री। एक बात याद रहे कि डेप्रिसिएशन जो है ना बेटा काय पे निकालते हैं, सारी नॉन करंट जितनी होती है, मिसाल के तौर पर फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, है ना, ये तमाम चीज़ें नॉन करंट एसेट ना, इनके ऊपर जो कीमत में कमी आती है ना उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उस पर निकालते हैं हम, ये याद रखें नॉन करंट एसेट के ऊपर होता है ये। तो चुनाव की जर्नटी फिक्स है हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और आम फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये होती है हमारी। अब यहाँ पर लिखा था ओवरचार्ज, तो जर्नटी को रिवर्स करना पड़ेगा ना आपको, फिर तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, अलाउंस फॉर ऊपर डेबिट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, ओवरचार्ज है ना, ज़्यादा लिख दिए 5000 रुपया, तो चुनाचे आपको रिवर्स करनी पड़ेगी रूल के मुताबिक, मैंने बता दिया था ना आपको, चलेंगे। तो गारंटी क्या बन गई बच्चों, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 5000 5000, टू करेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, आगे समझ में, ये गारंटी याद कर लीजिएगा ओरिजिनल वाली, और इसको रिवर्स करा मैंने इसको। नंबर पाँच, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब एक बात बताएं, बेचा क्या चीज़ें, ठीक है, बेचा क्या चीज़ हमने, सेल क्या करी है, ओल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास हमने लिया या दिया किसी को, सर फर्नीचर हमने बेचा तो दिया तो क्रेडिट हो जाएगा ना भाई, भाई फर्नीचर तो क्रेडिट हो जाएगा ना, जब लेंगे तो डेबिट, देंगे तो क्रेडिट, जब हम सेल करेंगे मतलब फर्नीचर देंगे पैसे लेंगे ना उसके बदले, यही बात होती है ना हमारे पास, तो चुनाचे हमने ओल्ड फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर हमारे पास से डिक्रीज हो गया, फर्नीचर डिक्रीज हो गया, तो चुनाचे फर्नीचर गया क्रेडिट, हो गया क्रेडिट।
जब क्रेडिट हो गए तो डेबिट खाली पड़ा हुआ हमारे पास। अभी जरा वाज रिकॉर्ड टू सेल्स अकाउंट, गलती से उसने सेल अकाउंट में लिख दिया, तो जो डेबिट खाली पड़ा हुआ ना उसमें सेल लिख दिया फौरन। देखो फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर तो क्रेडिट करना है, गलती से उसने सेल क्रेडिट कर दिया, सेल्स को सेल अकाउंट के अंदर लिख डाला। तो चुनाचे फर्नीचर आपने करना क्रेडिट और सेल करना डेबिट, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट कर लें, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर लें, पैसे लेते 4,000, ठीक है। आगे समझ बेचो लिख दिया मैंने सामने आपके लिखा हुआ टू कलेक्ट फर्नीचर अकाउंट। नंबर अगला है परचेज किया उसने ऑफिस सप्लाई ऑन अकाउंट, उसने ऑफिस सप्लाई खरीदी उधार में कितने की 6,500 की, तो उसकी गारंटी क्या बनेगी, ऑफिस सप्लाई डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, उधार में खरीदी ना भाई ऑन अकाउंट, उधार में खरीदी तो अकाउंट पेबल हो जाएगा ना, ठीक है समझे ना। ऑफिस सप्लाई डेबिट क्योंकि आपने परचेज करी है तो ली है सप्लाई और ऑन अकाउंट 6,500, और आपने प्रॉमिस दिया है जिससे भी खरीदी है सप्लायर से उसको प्रॉमिस दिया है, तो प्रॉमिस दिया तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा ना हमारे पास। तो चुनाचे ऑफिस सप्लाई डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट कितने 6,500। लेकिन हुआ क्या, गलती हो गई, 6,500 की जगह उसने 5,600 लिख दिए, ठीक है। 6,500 की जगह उसने 5,600 लिख दिया। अब एक बात पर गौर करें बेटा, आप ये गौर करें कि इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है 6,500 रुपया जो ओरिजिनल अमाउंट था, यहाँ पर उसने 5,600 रिकॉर्ड कर रखे हैं। ये पता है 5,600 इसके मुकाबले में कम होते हैं या ज़्यादा, इसके मुकाबले में सही तो कम होते हैं, तो कम लिखे ना। जब कम लिखे तो मैंने रूल बता रखा ना आपको कि आपको जनरल एंट्री सीधी रखनी पड़ेगी, जो मैंने अभी बताई है ऑफिस सप्लाई डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। और इन दोनों रकमों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 6,500 में से 5,600 को कैलकुलेटर में निकाल दीजिएगा, आपको फिगर मालूम हो जाएगी, वो लिखनी है आपने। तो बेटा मैंने बना दी है, देख लो ऑफिस सप्लाई डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट सीधी बनाई है और 900 रुपये का डिफरेंस आएगा उसके अंदर, ठीक है। टू कलेक्ट ऑफिस सप्लाई अकाउंट, ठीक है। मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया, 6,500 में से 5,600 निकाल लें तो ये 900 हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से करते हैं ये, आज उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है। अब मैं आपको जो मैंने आपसे कहा भी था कल कि मैं आपको जो है कल दो सवाल कराऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके 15 जून से तो इम्तहान है, अगर मैं एक एक करके कराता रहूँगा तो लग रहा है इम्तहान भी ख़त्म हो जाएंगे आपके, मेरा तो कोर्स ही मुकम्मल नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो हूँ आपको दो सवाल इकट्ठे करा रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा जो 10 एज में मौजूद हैं, ठीक है। जो 10 एज में मौजूद हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप समझ आएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई मसला परेशानी हो, कोई डिफ़िकल्टी महसूस करें तो आप मुझे कॉमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको वो भी क्लियर कर दिखा दूँगा, ठीक है। चले अब 2017 का पेपर आ गया, वहाँ पर लाइन से करना, ठीक है। 2017 अब हुआ क्या जी, फॉलोइंग एरर जो है ये मुश्ताक अहमद की है, मुश्ताक अहमद का काम है। तो नंबर एक है रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी 5,000, ये क्या लिखा, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दें। अब इसने एंटर कायम कर दिया, एंटर माने डेबिट क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर दें। देखिए रिपेयर एक्सपेंसेस पक्का डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है, नेचर ही डेबिट उनकी। रिपेयर एक्सपेंसिस जो मशीनरी पर 5,000 रुपये लगाए थे उसने, मरम्मत कराई थी उसकी, तो रिपेयर एक्सपेंसिस डेबिट, कैश क्रेडिट को ये बनाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, रिपेयर की जगह पर मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। तो मशीनरी डेबिट किया तो क्रेडिट करें आप उनको, ठीक है। रूल तो मैंने बताया रखा ना, डेबिट तो हमारा भर गया ना भाई, क्रेडिट खाली पड़ा हुआ तो किसी का ये लिखें मशीनरी क्रेडिट, ये रिज्यूमे लिख दिया आप यहाँ देखें इसको, रिपेयर एक्सपेंसिस डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 5,000 टू करेक्ट मशीनरी अकाउंट, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं कौन से नंबर दो पे रिसीव किया उसने कैश 10,000 फ्राम उस्मान ब्रदर्स से, किससे लिया पैसे, उस्मान ब्रदर्स से क्या लिया है, सर कैश लिया है, लिया क्या कैश डेबिट, अच्छा दिया क्या, प्रॉमिस दिया वापस दिया, प्रॉमिस वापस दिया उस्मान ब्रदर्स का, तो बेटा उस्मान ब्रदर्स का उधार ख़त्म हो जाएगा ना भाई, हमने रिसीव कर लिए ना उससे पैसे, उसको उधार में उसका फुल सेटलमेंट करना पड़ेगा भाई, इससे पैसे ले लिए तो, ठीक है ना। तो हम जनटी बनाएंगे कैश डेबिट और उस्मान ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट, ये बनानी चाहिए उस्मान ब्रदर अकाउंट क्रेडिट बनानी है आपने, रिसीव हमने किया है उस्मान ब्रदर से, तो उस्मान ब्रदर अकाउंट आपने करना है क्रेडिट, करना नहीं करना क्रेडिट 5,000 उस्मान ब्रदर, सॉरी 10,000 उस्मान ब्रदर अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000, लेकिन अब क्रेडिट तो हम कर देंगे, अब खाली जगह कौन सी रहेगी, डेबिट वाली ना, तो ये देख लिखा
लेकिन गलती से उसने एंटर कर डाला, क्या क्या हुआ उस्मान एंड के खाते में, तो आपने क्या करना है उस्मान एंड को डेबिट और उस्मान एंड ब्रदर्स को क्रेडिट, ठीक है मैंने बना दिया। उस्मान एंड अकाउंट डेबिट कर लें, उस्मान ब्रदर्स क्रेडिट अकाउंट कैरी कर लें, लेकिन बेटा उस्मान ब्रदर्स से पैसे लिए ना तो उसका अकाउंट रिसिवल क्रेडिट करेंगे, हम उसका अकाउंट क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे ना उसका हिसाब किताब, तो उस्मान ब्रदर्स क्रेडिट, ये तो हो गया क्रेडिट। अब डेबिट हमारे पास खाली पड़ा हुआ था, इसने उस्मान एंड के जो हिसाब किताब में लिखी वो डेबिट कर देंगे, आप दोनों बराबर हो जाएंगे आपके 10,000। नंबर थर्ड, चले मैं नंबर थर्ड भी देखते हैं। परचेज किया उसने ऑफिस इक्विपमेंट 15,500 रुपये का, क्या किया ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट लिए ना डेबिट, ठीक है ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और उसके बाद परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर डाला क्रेडिट, परचेज को क्रेडिट कर दें भाई, डेबिट तो भर दिया ना मैंने, क्रेडिट खाली पड़ा हुआ तो ये चीज़ क्रेडिट में जाएगी ना हमारे पास, तो चुनाचे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट 15,500 टू करेक्ट परचेज अकाउंट, ठीक है ना। मैंने आपको रूल बता रखा है कि कोई चीज़ अगर डेबिट भर गई है तो क्रेडिट में लिखेंगे दूसरी चीज़, और अगर क्रेडिट भर गया हमारे पास तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है लाजमी तौर पर ये रूल अपने अपनाना, इसी बात को आप पल्ले पालने ध्यान से करें आप। चले अगला नंबर आ गया, क्रेडिट सेल करी उसने टू मिस्टर अमजद को 12,000 रुपये की, बेचा उधार में मिस्टर अमजद को, लेकिन लिख दिया कैश सेल में, लिख दिया कैश सेल में। अब आप गौर करें इस बात पर, ठीक है गौर करें उसने क्या कर दिया, देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, थोड़ा फिर समझ में आएगा आपकी, ठीक है बेटा करके दिखा देता हूँ फिर समझ में आएगा। उसको लिखना चाहिए था, उधार में बेचा था ना उसने, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ये लिखना चाहिए था, अकाउंट रिसीवेबल अमजद का डेबिट और सेल्स क्रेडिट ये लिखना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये तो हो जाएगा डेबिट और ये क्रेडिट हो जाएगा ना, ये लिखना चाहिए था, लेकिन उसने पता क्या कर दिया, उसने कैश सेल में लिख दिया, उसने बना दी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्या लिख दी उसने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये तो गलत हो गया भाई, मैं कैश क्या लिया उसने, उधार में माल बेचा ना भाई, कैश में बेचता तो पैसे आते ना, यहाँ तो उधार में माल बेचा, तो चुनाचे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है उसने कैश सेल में लिख दी अभी, ठीक है तो अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट करना ना। अब ये बताएं कि इसने जो गलत बनाया था कैश, ये डेबिट था ना, क्रेडिट कर दें, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखें ये डेबिट में ओरिजिनल तो आना ही आना है, उधार में माल बेचते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है ना हमारे पास, वो तो डेबिट करना ही करना है मैंने, क्रेडिट खाली हो गया मेरे पास, तो ये जो आप गलती से लिखा ना इसको आप क्रेडिट कर दें, क्योंकि उसने कैश डेबिट किया था, ठीक है ऐसे करते हैं बच्चों। तो क्या बन गया हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है और कैश क्रेडिट, ये दिया देखिए हम जब के नाम मैंने लिखा हुआ सामने आपके, ठीक है क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है आप समझने की कोशिश करें बच्चों। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं बेटा, सेल किया उसने मर्चेंडाइज 15,000 रुपये की, ऑन अकाउंट उधार में, फिर वही वाली ऊपर वाली बात आ गई, उधार में फिर माल बेच दिया उसने मिस्टर जमील को, ठीक है लेकिन गलती से क्या हुआ 1,500 रुपये लिख दिए थे, कितने सर 15,000 रुपये थे, लिख कितने लिए सर 1,500 रुपये लिख दिए, कम लिखे या ज़्यादा लिखे इसके मुकाबले में, देखो 15,000 का माल बेचा है लिख 1,500 है, तो 1,500 तो नहीं थे इन दोनों में, तो 13,500 रुपये का फ़र्क आ रहा बच्चों, 15,000 की जगह 1,500 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कम लिख रहे हैं, कितने कम लिख रहे हैं 13,500 रुपये कम लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं तो जनरल एंट्री सीधी रहेगी। अभी मैंने आपको पीछे बना गया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट बनाई थी ना, बस वही बनेगी सीधी जनरल एंट्री, उधार में माल बेचा उसने, देखें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मिस्टर जमील का 13,500 और सेल्स क्रेडिट 13,500, जनरेंटी सीधी रहेगी, मैंने आपको बता दिया अगर पैसे कम लिखेंगे तो जनरेंटी सीधी रहती है। नंबर अगला देखते हैं भाई, आखिरी नंबर है इसका, रेंट किया उसने ऑनर के हाउस का पैड बाय चेक, यानी कि ऑनर जो था मालिक उसके घर का किराया अदा किया गया, तो बेटा जैसे ही ऑनर का लग रहा है, जैसे ही प्रूफ राइटर का लग रहा है, फर्स्ट से आपने करना ड्राइंग डेबिट, ठीक है ड्राइंग डेबिट करना है, याद रखिए पक्का ड्राइंग डेबिट, जी ड्राइंग डेबिट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया ना, ठीक है आगे नहीं आ गया, ठीक है गलती से उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया रेंट एक्सपेंस, उसने गलती से रेंट एक्सपेंस लिख दिया भाई, गलती से लिखा ना, ड्राइंग तो भर चुके हैं ना, खाली जगह में कौन है, रेंट एक्सपेंस लिखना पड़ेगा ना, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से करना बेटा ये, ठीक है
ये मैंने साफ किताब बता दिया बेटा, ये 15,000 में से 1500 रुपये निकालने का तरीका भी मैंने करके दिखा दिया, देखिए 15,000 में से 1500 निकाले तो 13,500 की फिगर ये आई थी। ठीक है, इसके अंदर फिगर मैं मिस कर गया हूँ, इसमें 10,000 आएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा मैंने आपको 2 साल की करा दी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आपकी बैंक रिकन्सोलेशन की आएगी इंशाल्लाह, उसका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आप इनकी मज़ीद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे और भी सवाल है बेटा, ये 2015, 2016, 2014 कई सालों में आपको मिलेंगे ये बड़े। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने मैं आपके सामने पेपर रख रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट बने बनाए, आपको अगर करने हो तो आप इनको सामने लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, भूल गए, वीडियो को पॉज करके इसको देखिएगा, सवाल को उसके मुताबिक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चाहे तो आप इसे 10 ईयर से कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये करा दिया, करेक्शन ऑफ एरर्स पे मैंने वाइंड अप किया, आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बैंक रिकन्सोलेशन की इंट्रोडक्शन लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, क्योंकि मैं यक के बाद दिग्गरे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको बर वक्त मिल जाएंगे। अपने साथियों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि बच्चों को पता चले। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।